अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फैमिली विजिट वीज़ा में सऊदी अरबिया में अभी फैमिली को बुलाने का क्या नियम है, खर्चा वगैरह कितना होगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये VFS वाला रूल जब से लागू हुआ, लोगों में कन्फ्यूज़न बढ़ गई कि रूल में क्या बदलाव आया, खर्चा कितना होगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लगभग बहुत सारा चीज़ सेम ही है, पहले से ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। वीज़ा स्टैम्पिंग और ख़र्चा में 19-20 का फ़र्क आया है। तो स्टार्टिंग से जानते हैं, आप में से कोई भी बुलाना चाहते हो बिल्कुल आप बुला सकते हो, कोई भी इकामा प्रोफेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले जैसा होता था, इकामा पोजीशन जिसका बड़ा रहता था वही विजिट वीज़ा पे बुला सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। हाउस ड्राइवर भी बुला सकता, क्लीनर लेबर भी बुला सकता, कोई भी बुला सकता। किसको बुला सकता, उनके रिलेशन में जो भी हैं सबको बुला सकते हो। ब्लड रिलेशन में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, आप एक प्रूफ दे करके बुला सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, एम्बेसी से ज़्यादा प्रूफ नहीं मांगते थे वो लोग, वीज़ा जल्दी लग जाता था। लेकिन अभी रिसेंट का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, VFS वाले थोड़ा बारीकी से चेक कर रहे हर चीज़ को, तो अभी जो है प्रूफ वगैरह ये सब देना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना, ज़्यादा वो लोग चेक कर रहे हैं। बाकी वही अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका इकामा 3 महीने तक वैलिड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 महीने से अगर कम भी है, 2 महीना 2.5 महीना, तो भी वीज़ा अप्रूव हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन वाला, वो फॉर्म को पहले भरिएगा सही सही। कैसे भरना है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। हालांकि इसका सर्विस भी मैं देता हूँ, अगर किसी को मेरे से भरवाना हो, फॉर्म फिलअप करवाना हो, तो एक जो जेन्युइन अमाउंट है मेरे मेहनत का वो दे के आप भरवा सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग बाहर में भी करते हैं तो उनसे भी करवा सकते हो। तो फॉर्म को भर लेना है, वो फॉर्म को भरने के बाद आपका जो कफिल होगा, स्पॉन्सर होगा, अगर कंपनी में काम करे तो उनको दे देना है। उस पर होता है गुरफा तिजारिया, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुहर भी बोलते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले 35 रियाल खर्चा है इसके लिए, सिर्फ 35 रियाल। अगर मान लीजिए कोई 5 आदमी को बुला रहा फैमिली मेम्बर का, तो एक ही फॉर्म में 5ों लोगों को मेंशन कीजिएगा तो 35 रियाल में ही काम हो जाएगा। अगर सबका अलग अलग निकालिएगा तो सबका 35-35 रियाल देना पड़ेगा, ठीक है। अब कई लोगों का कफिल कंपनी वाले गुरफा तिजारिया करते नहीं, ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, बाहर से काम करवाते हैं। पता नहीं, ये तरीका तो मेरे को नहीं मालूम है, मुझे लगता है वो इलीगली कोई तरीका होगा जो बाहर से करते हैं, बाहर से लोग ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। तो ऐसा कोई जुगाड़ भाई मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ वो फॉर्म को फिलअप करके दे सकता हूँ। अब वो फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है, जब चैम्बर हो जाता है कुछ दिन में स्टेटस आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट में आ जाता है, जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट आ जाता है, ऑनलाइन आपको चेक करना पड़ता है, ये सब पे मैंने बहुत वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, फैमिली विजिट वीज़ा का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वो सारा डाउट क्लियर होगा कि कैसे चेक करना है ना। तो ऑनलाइन जब अप्रूवल आ जाता है मोफा की तरफ से, फिर वो वीज़ा डॉक्यूमेंट को इंडिया भेजना पड़ता है वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए। पहले तो हम लोग एम्बेसी में करवाते थे एजेंट को दे के, दिल्ली या मुंबई, अभी एम्बेसी का सीन ख़त्म, एजेंट का भी सीन ख़त्म, अब VFS से हो रहा है ना। तो वीज़ा जब आप लोग अप्लाई करोगे ना, उस समय आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के लिए 3 VFS सेंटर हैं, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, जो UP, बिहार, झारखंड वाले हैं ये उनके लिए हैं। कि आप लोग जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो दिल्ली सेलेक्ट करना, नहीं मुंबई अगर सेलेक्ट कर लिए तो VFS सेंटर आपका दूर पड़ जाएगा, UP, बिहार वालों, झारखंड वालों के लिए, बंगाल वालों के लिए सामने पड़ेगा, उड़ीसा है ना। तो मुंबई और दिल्ली दो अलग है, मुंबई के अंडर में ज़्यादा VFS सेंटर है, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, चेन्नई, ये सब जो है मुंबई के अंडर में है। तो उस साइड के जो लोग हैं साउथ के या फिर आंध्रा के, तो हैदराबाद भी मुंबई के अंडर में, तो उधर वाले मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और खर्चा जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, खर्चा लगभग सेम है। जो अपॉइंटमेंट हम बुक करते उसमें 2 ऑप्शन आता, कैंडिडेट को तो खुद जाना पड़ता VFS सेंटर, एजेंट का सीन ख़त्म, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक लगता है, आपका सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो जिनका जिनका वीज़ा अप्लाई करोगे आप, उनको जाना पड़ेगा VFS सेंटर में, मैंडेटरी। तो अपॉइंटमेंट जब आप बुक करोगे, 2 तरह का ऑप्शन मिलता है VFS वालों की तरफ से, एक नॉर्मल, एक लॉन्च। नॉर्मल में 10,400 और लॉन्च वाला में 14,000 के करीब में है। तो नॉर्मली इसको सेलेक्ट करना, ज़्यादातर लोग नॉर्मली कर रहे हैं, मेरे पास कई लोगों का मैसेज भी आया, स्लिप भी आया। लेकिन VFS सेंटर जाने के बाद ना, आपका खर्चा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर VFS सेंटर वालों का काम करने का तरीका अलग है। ज़्यादातर मुंबई वालों का एक्सपेंसेस
ज़्यादा देखा गया, क्योंकि वीज़ा अप्लीकेशन का जो फॉर्म है ज़्यादातर उनका जो वेफे सेंटर, वो लोग बोलते हैं कि यहीं से भरवाओ, जो भर के आए हो उसको लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो वेफे सेंटर है, लखनऊ का बात करूँ या फिर कोलकाता या दिल्ली, उधर ऐसा नहीं है। तो खर्चा एग्जैक्ट आप वीज़ा स्टैम्पिंग का नहीं लगा सकते, लेकिन एन एवरेज जो मैं बताऊँगा 14,000-15,000 मान के चलो, क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है। 15,000 से तो नीचे ही आएगा वीज़ा स्टैम्पिंग वाला। पहले पासपोर्ट पे चिपक के आता था वीज़ा, वो ऐसा भी नहीं है। अभी जो है वीज़ा आपका स्टिकर वाला आएगा, ए फोर वाला पेपर वाला वीज़ा आएगा डिजिटल QR कोड के साथ में। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया। अब पहले क्या होता था, वीज़ा स्टैम्पिंग में थोड़ा टाइम लगता था, एजेंट के थ्रू करते थे हम लोग। अब क्या है, जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट आपका VFS के साथ में कॉन्टैक्ट है, तो वो तुरंत आपको करके दे देते हैं, 3 से 4 दिन में मिल जा रहा है। वीज़ा जब आपका आएगा ना, तब आप कोशिश करना उसको कोरियर से मंगाने का, खुद से जाके कलेक्ट करने का सीन मत रखिएगा। इसमें लोचा होगा, कोरियर को लोग कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, VFS का भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है वीज़ा स्टैम्पिंग का प्रोसेस के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया मेरे चैनल पर। VFS का भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके वो वीडियो देख लेना, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। हालाँकि इसका भी मैं सर्विस देता हूँ, किसी को अगर अपॉइंटमेंट का सर्विस मेरे से चाहिए मैं भी लेके दे सकता हूँ, मेरे से कॉन्टैक्ट करना आप लोग। तो बस यही तरीका है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें टाइम प्रोसेस कितना लगेगा, सऊदी में जब अप्लाई करते हो उस समय, इंडिया में VFS में अप्लाई करेंगे उस समय, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। सऊदी में आपका वीज़ा अप्रूवल कब तक मिलता है मोफा से, ये डिपेंड करेगा। इसमें कभी जल्दी भी होता है, 3-4 दिन में, 1 हफ्ता में हो जाता है, कभी महीनों लग जाता है, 2-3 महीना भी लग जाता है। और VFS का रहा बात, तो डिपेंड करेगा अपॉइंटमेंट पे कि अपॉइंटमेंट आपको कब तक मिल रहा है। अगर जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गया तो वीज़ा आने में 10 दिन मान के रखो, आ जाएगा। बाकी और कुछ खर्चा नहीं है, जो आप टिकट अपना खुद बुक करोगे, टिकट बुक करके लाओगे, जो भी एयरपोर्ट में लाना है, और यहाँ पे रहने खाने का खर्चा, ये खर्चा है। कुछ छोटा छोटा चीज़ और भी है जो लोगों को नहीं पता है, कि आपका फैमिली जब आता है उस समय रिटर्न टिकट भी मांगा जाता है, जिसको आप लोग डम्मी टिकट भी ले सकते हो, ये मैंडेटरी रहता है। तो जितना भी डाउट है ना फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड, ये छोटा छोटा वीडियो में मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप बाकी वीडियो को भी देख लेना। तो उम्मीद करूँगा VFS का रूल आने के बाद जो आप लोगों में डाउट हो रहा था खर्चा वगैरह को लेके, वो क्लियर हो गया होगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।